नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे रक्षाबंधन का पर्व 22 अगस्त 2021 को मनाया जाएगा। भूलकर भी इस दिन ये काम ना करें, जानिए शुभ मुहूर्त। दोस्तों, पंचांग के अनुसार 22 अगस्त 2021 रविवार को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। विशेष बात यह है कि इस दिन सावन का आखिरी दिन भी है। इस दिन श्रावण मास का समापन होगा और 23 अगस्त 2021 से भाद्रपद मास का आरंभ होगा। रक्षाबंधन का पर्व सावन मास का सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। इस पर्व को बहुत ही पवित्र माना जाता है। राखी को रक्षा सूत्र भी कहते हैं। रक्षाबंधन पर बहनें भाई की आरती उतार कर तिलक करती है और रक्षा कवच पहनाने के लिए उनके हाथ पर मंगल कामना करते हुए रक्षा सूत्र बांधती है। ये पवित्र पर्व भाई बहन के प्यार का प्रतीक भी है। रक्षाबंधन का पर्व संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। 22 अगस्त 2021 पंचांग। रक्षाबंधन का पर्व इस वर्ष शुभ संयोग में मनाया जाएगा। इस बार रक्षाबंधन पर शुभ योगों का निर्माण भी हो रहा है। पंचांग के अनुसार दो विशेष शुभ मुहूर्त का योग बना हुआ है। पूर्णिमा की तिथि पर धनिष्ठा नक्षत्र के साथ शोभन योग का शुभ योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में योग को शुभ योग माना गया है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। रक्षाबंधन पर प्रातः 6:15 से प्रातः 10:34 तक शोभन योग रहेगा। धनिष्ठा नक्षत्र शाम को करीब 7:39 तक रहेगा। 22 अगस्त 2021 को दोपहर 1:42 दोपहर से शाम 4:18 तक राखी बांधना सबसे शुभ माना जाएगा। रक्षाबंधन पर ना करें ये काम। रक्षाबंधन पर कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। इस दिन स्वच्छता के नियमों का पालन करें। क्रोध, अहंकार और विवाद की स्थिति से दूर रहें। इसके साथ कोई ऐसा कार्य न करें जिससे लोगों को पीड़ा पहुंचे और नियम के विरुद्ध हो। इस पर्व को हर्षोल्लास और पूरी आस्था व श्रद्धा के साथ मनाना चाहिए।